कोडी रोड्स को मार मार कर हॉस्पिटल भेजने के बाद अब क्या होगा अगला कदम कोडी रोड्स का। जिस तरह ब्रॉक लेसनर ने मार मार कर कोडी रोड्स को हॉस्पिटल भेज दिया, ठीक उसी तरह कोडी रोड्स भी बीस्ट पर हमला करके उसे हॉस्पिटल बेच कर अपना बदला लेंगे। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, रसलमेनिया में रोमन से हारने के बाद रॉ में आकर कोडी रोड्स ने की दो बड़ी गलतियां। पहली ये कि हारने के बाद बेचारे कोडी रोड्स ने मांगा एक बार फिर रीमैच ओबी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल टाइटल मैच के लिए। और दूसरी बड़ी गलती ये कि ब्रॉक लेसनर जैसा टैग टीम पार्टनर मिला और ब्रॉक लेसनर का साथ पाकर कोडी रोड्स काफी खुश नजर आ रहे थे। पर नाइटमेयर को कहां पता था कि ब्रॉक लेसनर के साथ हाथ मिलाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित होगी, क्योंकि जॉन सीना, गोल्डबर्ग और रोमन जैसे कई सुपरस्टार के साथ ठीक ऐसा ही हुआ जैसे ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स के साथ किया। और ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स पर ब्रूटल अटैक और 4 से 5 F5 मारकर उसे हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया। और ब्रॉक लेसनर को देखकर यही लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर फिर से अपने बीस्ट वाले मूड में आ चुके हैं। और अगर WWE ने यही प्लान बनाया है कि हमें ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच एक मैच देखने को मिल सकता है, तो समझ लेना हमें ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच कई ब्रॉल्स देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले रॉ में कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर से अपना बदला ले। आपको क्या लगता है हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।